हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू देखिए पिछली क्लास में हमने न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतरवेशन फार्मूला और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे अब आज की क्लास में हम कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और क्वेश्चन सोल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर टेन देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन में क्या है निम्न सारणी में उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी साठ रुपए से सत्तर रुपए के मध्य मजदूरी मिलती है मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको साठ और सत्तर रुपए के बीच में मजदूरी मिलती है ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है और यहाँ पर हमें सारणी में क्या दे रखा है मजदूरी रुपए में और व्यक्तियों की संख्या मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको चालीस रुपये से कम मजदूरी मिलती है उनकी संख्या कितनी है दो सौ पचास ऐसे व्यक्ति जिनको चालीस और साठ के बीच में मिलती है उनकी संख्या एक सौ बीस साठ से अस्सी के बीच में सौ अस्सी से सौ के बीच में सत्तर और ऐसे व्यक्ति जिनको सौ रुपये या सौ से एक सौ बीस रुपये के बीच में मिलते हैं उनकी संख्या कितनी है पचास है ठीक है तो हमें क्या करना है हमें ये बताना है कि ऐसे व्यक्ति कितने हैं जिनको साठ रुपये और सत्तर से कम रुपए मिलते हैं मतलब साठ से लेकर और कितने मिलते हैं साठ रुपए से सत्तर रुपए के बीच में मिलते हैं ऐसे कितने व्यक्ति हैं उनकी संख्या हमें ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे हम सबसे पहले उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करेंगे जिनको मजदूरी सत्तर रुपए से कम मिलती है किसकी संख्या ज्ञात करेंगे उन व्यक्तियों की संख्या जिनको मजदूरी क्या मिलती है सत्तर रुपये से कम और उसमें से हम उन व्यक्तियों की संख्या को घटा देंगे जिनको साठ रुपये से कम मज़दूरी मिलती है ठीक है तो टोटल हम क्या याद करेंगे सत्तर रुपये से कम रुपए मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या और उसमें से सब्सट्रैक करेंगे जिन व्यक्तियों को साठ रुपये से कम मज़दूरी मिलती है और यहाँ पर आप देख रहे हो कि साठ रुपये से कम मज़दूरी कितने लोगों को मिलती है दो सौ पचास प्लस एक सौ बीस इन व्यक्तियों को कितने रुपए मिलते हैं साठ रुपये से कम क्योंकि ये दो सौ पचास हैं इन दो सौ पचास को चालीस रुपये से कम मिलते हैं इसका मतलब साठ रुपये से कम मिलते हैं इनको और ये एक सौ बीस व्यक्ति वो हैं जिनको चालीस और साठ के बीच में मिलते हैं तो साठ रुपये से कम मज़दूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है दो सौ पचास प्लस एक सौ बीस मतलब तीन सौ सत्तर तीन सौ सत्तर ऐसे व्यक्ति हैं जिनको साठ रुपये से कम मज़दूरी मिलती है अब सबसे पहला काम हमारा क्या है उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना जिनको मजदूरी सत्तर रुपये से कम मिलती है उसके लिए हम ये एक अग्रांतर सारणी बनाएंगे देखिए दिए गए आंकड़ों से निम्न अग्रांतर सारणी प्राप्त होती है क्वेश्चन तो आपने कल लिख लिया था सॉल्यूशन लिखिए अब दिए गए आंकड़ों से निम्न अग्रांतर सारणी प्राप्त होती है और अग्रांतर सारणी क्या बनेगी वो देखिए आगे सबसे पहले मजदूरी लिखेंगे मजदूरी रुपए में फिर व्यक्तियों की संख्या अच्छा मजदूरी का मतलब यहाँ मजदूरी को एक्स से डिनोट कर सकते हैं और संख्या को व्यक्तियों की संख्या को एफ एक्स से फिर उसके बाद अब देखो यहाँ कितनी संख्या दे रखी है हमें एक दो तीन चार पाँच इसका मतलब चौथा अंतर क्या रहेगा अचर अच्छा और पाँचवा अंतर क्या रहेगा जीरो तो हमें अग्रांतर सारणी में कितने अंतर निकालने हैं चार अंतर निकालने हैं इस बात का ध्यान रखना है तो देखो प्रथम अंतर निकाला अब यहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान देना हमें क्या दे रखा है चालीस से कम मतलब चालीस रुपये से कम मज़दूरी जो मिलती है उन व्यक्तियों की संख्या दो सौ पचास वो हमने यहाँ लिख दिया उसके बाद चालीस से साठ के बीच में कितने व्यक्ति हैं एक सौ बीस तो यदि हम ये लिखें कि साठ रुपये से कम कितने लोगों को मज़दूरी मिलेगी एक सौ बीस प्लस दो सौ पचास ये जो व्यक्ति हैं ये वो व्यक्ति हैं जिनको साठ रुपये से कम मज़दूरी मिलती है मतलब कितने हो गए तीन सौ सत्तर तो यहाँ तीन सौ सत्तर लिखा उसके बाद अस्सी रुपये से कम मतलब ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनको मज़दूरी अस्सी रुपये से कम मिलती है तो अस्सी रुपये से कम किन किन को मिलता है देखो ये जो दो सौ पचास व्यक्ति हैं इनको अस्सी से कम मिल रहा है एक सौ बीस व्यक्ति इनको भी अस्सी से कम मिल रहा है और इन सौ व्यक्तियों को भी अस्सी से कम मिल रहा है तो अस्सी से कम रुपये कितने व्यक्तियों को मिलते हैं और वो हैं 250 प्लस 120 प्लस 100 क्लियर तो इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 470 ऐसे सौ रुपये से कम कितने लोगों को मिलते हैं देखो यहाँ पे इन 250 लोगों को सौ रुपये से कम मिल रहे हैं इन 120 को भी सौ से कम मिल रहे हैं इनको भी सौ से कम और इनको भी सौ से कम इन चारों का योगफल कर दो तो ये उन व्यक्तियों की संख्या है जिनको मजदूरी सौ रुपये से कम मिलती है और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी इनका योगफल हो जाएगा पाँच उसके बाद उन व्यक्तियों की संख्या जिनको मजदूरी कितनी मिलती है एक सौ से कम मिलती है उनकी संख्या है पाँच नब्बे अब यहाँ पे डेल एफ एक्स निकाल लो डेल एफ एक्स का मतलब प्रथम अंतर तीन सौ सत्तर माइनस दो सौ पचास कितना आएगा एक सौ बीस चार सौ सत्तर माइनस तीन सौ सत्तर सौ पाँच सौ चालीस माइनस चार सौ सत्तर सत्तर और 590 सौ नब्बे माइनस पाँच कितना हो जाएगा 50 उसके बाद द्वितीय अंतर निकालेंगे तो 100 माइनस एक सौ बीस माइनस बीस सत्तर माइनस सौ माइनस तीस पचास माइनस सत्तर माइनस बीस उसके बाद तृतीय अंतर निकालेंगे माइनस तीस प्लस का बीस हो जाएगा ये तो कितना आएगा माइनस का दस और ये हो जाएगा माइनस बीस प्लस तीस प्लस तीस कैसे होगा देखो माइनस बीस माइनस माइनस तीस तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा कितना बचेगा दस फिर दस प्लस दस करेंगे तो कितना हो जाएगा बीस प्लस का मतलब क्या है यहाँ अंतर निकाल रहे हैं तो अंतर ऐसे ही तो निकालेंगे दस माइनस माइनस दस तो माइनस और माइनस प्लस तो कितना हो गया बीस हो गया क्लियर तो ये हमारे पास अग्रांतर सारणी बन गई अब इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं अब देखो ये जो दो सौ पचास तीन सौ सत्तर ये एफ एक्स के मान हैं इसका मतलब ये ये जो मान है एफ़ एक्स का ये कहाँ पर है चालीस पर मतलब एफ़ चालीस का मान कितना है दो सौ पचास इस एफ़ चालीस का मतलब है चालीस रुपए से कम मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है दो सौ पचास एफ़ साठ का मान कितना है तीन सौ सत्तर मतलब साठ से कम मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है तीन सौ सत्तर ऐसे अस्सी से कम मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या चार सौ सत्तर सौ से और एक सौ बीस से कम मज़दूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या पाँच सौ चालीस और पाँच सौ नब्बे क्लियर यहाँ तक अब हमें क्या याद करना है सबसे पहला काम हमारा है सत्तर रुपये से कम मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या तो ये नोट कर लिया होगा देखिए सबसे पहले हम सत्तर रुपये से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करेंगे अर्थात किसका मान ज्ञात करेंगे एफ सेवेंटी का एफ सेवेंटी की वैल्यू याद करेंगे न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र से तो यहाँ a का मान कितना है देखो a का मतलब प्रथम बिंदु प्रथम बिंदु कितना है चालीस तो ए का मान है चालीस एच कितना है बीस यहाँ देखो चालीस साठ अस्सी सौ एक सौ बीस अंतर कितने का है इनमें बीस बीस का अंतर है तो एच की वैल्यू बीस हो गई और ए प्लस एच यू कितना है सत्तर मतलब हमें जिस बिंदु पर फलन का मान चाहिए वो बिंदु कितना है सत्तर है तो ए प्लस एच यू कितना है सत्तर क्योंकि न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतरवेशन सूत्र में फॉर्मूला क्या होता है एफ ए प्लस एच यू मतलब जिस बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करना है तो हमें सत्तर पर ज्ञात करना है तो ए प्लस एच यू का मान कितना है सत्तर अब ए का मान हमें पता है चालीस है एच का मान बीस है तो यू का मान ज्ञात कर सकते हैं और यू का मान कितना आएगा सत्तर माइनस चालीस बटा बीस इक्वल टू वन पॉइंट फाइव यही होगा तो इसमें हम ए और एच की वैल्यू रखेंगे तो यू की वैल्यू मिल जाएगी और यू की वैल्यू क्या है वन पॉइंट फाइव है क्लियर यहाँ तक अब न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतरवेशन सूत्र अप्लाई करेंगे ये होता है और सूत्र में को कहाँ तक लिखेंगे चौथे अंतर तक क्योंकि पाँचवा अंतर क्या आएगा जीरो आएगा और आगे वाले सभी पद फिर जीरो होंगे तो इसको फॉर्मूले को चौथे अंतर तक लिखना है अब इसमें a प्लस एच यू की जगह तो रख दो कितना सत्तर एक की जगह रख दो कितना चालीस और यू की वैल्यू कितनी है वन पॉइंट फाइव तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए आगे इसको पहले स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका जल्दी से और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए कैलकुलेशन कर लीजिए तो देखिए वैल्यू पुट की हमने ए प्लस एच यू की वैल्यू सत्तर एक की वैल्यू कितनी है चालीस और यू सी वन को क्या लिख सकते हैं यू यू सी को लिख सकते हैं u इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू यू सी थ्री की वैल्यू होती है यू इंटू यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री और ये है यू सी फोर की वैल्यू अब इसमें आगे वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए एफ फोर्टी की वैल्यू वैल्यू आपको संक्रिय इससे रखनी है जो टेबल हमने बनाई है अग्रांतर सारणी ये वाले मान लेने हैं ये मान तो किसका एफ ए का ये डेल एफ है ये डेल स्क्वायर एफ है ये डेल क्यूब एफ है और ये डेल की पावर फोर एफ है तो एफ़ ए का मान मतलब एफ़ चालीस का मान कितना है दो सौ पचास है फिर यू का मान कितना है एक पॉइंट पाँच और डेल एफ चालीस का मान कितना है एक सौ बीस है फिर यू की वैल्यू रख दी यहाँ पे और डेल स्क्वायर एफ चालीस कितना है माइनस बीस है डेल क्यूब एफ चालीस कितना है माइनस दस है डेल की पावर फोर एफ चालीस कितना है बीस है बाकी क्या किया यू की वैल्यू पुट कर दी अब कैलकुलेटर की हेल्प से इस कैलकुलेशन को कर लीजिए क्योंकि तो एग्जाम में भी आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो आप ले जा सकते हैं और कैलकुलेटर से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी चार तो एफ़ की वैल्यू कितनी हो गई चार अब देखो ये जो वैल्यू है ये हज़ारों में है ये वैल्यू किस में है हज़ारों में हजारों में है यहाँ पे देखो बिल्कुल व्यक्तियों की संख्या हज़ारों में दे रखी है हमें यहाँ पे तो यहाँ पे जो संख्या आई है हमारे पास वो हज़ारों में संख्या है तो एफ़ सत्तर का मतलब क्या होता है ऐसे व्यक्ति जिनको सत्तर रुपये से कम मजदूरी मिलती है उनकी संख्या आ गई हमारे पास कितनी चार सौ तेईस पॉइंट पाँच नौ हज़ार ठीक है ये वैल्यू हमें मिले। अब हमें ज्ञात क्या करना था हमें ज्ञात करना था साठ रुपये से सत्तर रुपये के बीच में मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या और वो कैसे ज्ञात करेंगे ये संख्या बराबर होगी किसके सत्तर रुपये से कम मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या माइनस ये माइनस और फिर साठ रुपये से कम मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या क्लियर यहाँ तक देखो मान लीजिए ये व्यक्ति हैं एक दो तो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस सपोज ये दस व्यक्ति हैं और इन दस व्यक्तियों को क्या मिलते हैं सत्तर रुपये से कम मज़दूरी मिलती है इन दस व्यक्तियों को कितनी मजदूरी मिलती है सत्तर रुपये से कम मज़दूरी मिलती है और आपको यदि ये भी पता है कि जो शुरू वाले चार व्यक्ति हैं इन चार व्यक्तियों को साठ रुपये से कम मज़दूरी मिलती है तो आपसे ये पूछा जाए कि साठ रुपए और साठ रुपए से ज़्यादा लेकिन सत्तर रुपए से कम मतलब साठ और सत्तर के बीच में कितने लोगों को मज़दूरी मिलेगी तो ये जो बचे हुए हैं ये वो व्यक्ति हैं जिनको मज़दूरी कितनी मिलती है साठ से सत्तर के बीच में अब हमें ये तो पता है कि सत्तर से कम मज़दूरी कितने लोगों को मिल रही है अभी हमने ज्ञात किया कितना है चार सौ तिरपन सॉरी चार सौ तेईस पॉइंट पाँच नौ कितनी है चार सौ तेईस पॉइंट पाँच नौ लेकिन हमें यह भी पता है कि साठ रुपये से कम कितने लोगों को मज़दूरी मिल रही है तीन सौ सत्तर हज़ार लोगों को तीन सौ सत्तर हज़ार लोगों को हज़ार को बाद में लिख लेंगे अभी तीन सौ सत्तर लिख लेते हैं तो चार सौ तेईस पॉइंट पाँच नौ ये व्यक्ति वो हैं जिनको सत्तर से कम मिलती है और तीन सौ सत्तर व्यक्ति ऐसे हैं जिनको साठ रुपये से कम मज़दूरी मिलती है तो साठ और सत्तर के बीच में कितने लोगों को मजदूरी मिलेगी चार सौ तेईस पॉइंट पाँच नौ माइनस तीन सौ सत्तर ठीक है या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ़ सेवनटी माइनस एफ़ सिक्सटी एफ़ सेवेंटी की वैल्यू ये है एफ़ सिक्सटी की वैल्यू ये है इसको सब्सट्रैप करेंगे तो कितना आएगा तेरेपन पॉइंट पाँच नौ और अब आगे यहाँ पर लगा देना कितना हज़ार मतलब तरेपन पॉइंट पाँच नौ हज़ार व्यक्ति ऐसे हैं जिनको साठ और सत्तर रुपए के बीच में मजदूरी मिलती है क्लियर यहाँ तक तो नोट कर लीजिए अच्छा अब यदि इसको आप लगभग लिखना चाहें तो लगभग आप इसको लिख सकते हैं चौवन हजार मतलब लगभग चौवन हजार व्यक्ति ऐसे हैं जिनको साठ रुपए या उससे अधिक लेकिन सत्तर रुपए से कम मजदूरी मिलती है क्लियर ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था एक तो बस आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि जब सत्तर रुपये से कम मज़दूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है और साठ रुपये से अधिक मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है मतलब साठ और सत्तर के बीच में कितने लोगों को मज़दूरी मिलती है तो उनकी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे सबसे पहले उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर लो जिनको मज़दूरी सत्तर से कम मिलती है और उसके बाद उसमें से किसको घटा दो उन व्यक्तियों की संख्या को जिनको मज़दूरी साठ रुपये से कम मिलती है तो रिज़ल्ट कितना आ जाएगा लगभग चौवन हज़ार व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको मजदूरी साठ और सत्तर के बीच में मिलती है क्लियर तो इस प्रकार से हम न्यूटन ग्रैगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र की सहायता से ये वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं ये सारणी तो बनाई ली होगी उसके बाद ये है फॉर्मूला लिखा न्यूटन ग्रैगोरी का और फॉर्मूले के पश्चात नेक्स्ट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी और इसकी कैलकुलेशन कर ली उसके बाद ये है तो लास्ट रिजल्ट ये आ गया अपना आगे लिखना चाहो तो लिख देना लगभग चौवन हज़ार और देखिए इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर टेन ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दो तीन बार पूछा हुआ है एग्जाम में देखिए एग्जाम्पल नंबर टेन क्या है त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जो निम्न मानों को ग्रहण करता है मतलब हमें तीन घात का बहुपद ज्ञात करना है और वो जो बहुपद है वो इन मानों को ग्रहण करता है मतलब ऐसा बहुपद है जिस पर जीरो पर फलन का मान कितना है वन वन पर फलन का मान है जीरो टू पर फलन का मान है वन और थ्री पर फलन का मान कितना है टेन और उसके बाद चार पर फलन का मान और ज्ञात करना है एफ फोर की वैल्यू और ज्ञात करनी है अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि जीरो पहला जो बिंदु है वो कितना है जीरो और इन संख्याओं में अंतर कितने का है वन का तो हमने न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला में ही उसका एक दूसरा रूप पढ़ा था और दूसरा रूप क्या पढ़ा था यदि ए बराबर जीरो हो और एच बराबर क्या हो वन हो तो यू बराबर कितना हो जाता है एक्स हो जाता है यदि ए बराबर जीरो हो एच बराबर वन हो ए बराबर जीरो का मतलब प्रथम बिंदु जीरो हो तो यहाँ देखो प्रथम बिंदु जीरो है एच बराबर वन हो मतलब संख्याओं में अंतर जो है या अंतर का जो अंतराल है वो कितना हो वन हो तो यू बराबर कितना हो जाता है एक्स हो जाता है फ़ॉर्मूले में तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको ये फार्मूला जो हमने पिछली क्लास में प्रूफ किया था ये देखिए नोट में लिखवाया था यदि एच बराबर वन हो ए बराबर ज़ीरो हो तो यू बराबर कितना हो जाता है एक्स हो जाता है और फार्मूला क्या बनता है एफ़ एक्स इक्ल टू पी एन एक्स इक्वल टू एफ़ जीरो प्लस एक्स सी वन डेल एफ़ जीरो प्लस एक्स सी टू डेल स्क्वायर एफ़ जीरो एन प्लस डोट डोट एक्स सी एन डेल की पावर एन एफ जीरो अब ये फॉर्मूला यहाँ काम में लेंगे अब देखो पी एन एक्स का मतलब क्या है एन घात का बहुपद है ये ये क्या है एन घात का बहुपद है और हमें क्या करना है हमें तीन घात का बहुपद ज्ञात करना है तो एन की वैल्यू कितनी रख देंगे इसमें थ्री तो यहाँ जब एन की वैल्यू थ्री रखेंगे तो ये फॉर्मूला कहाँ तक बनेगा एक्स सी वन एक्स सी टू एक्स थ्री यहाँ तक बनेगा ये फॉर्मूला क्योंकि अब एन की वैल्यू कितनी रखेंगे हम इसमें थ्री रखेंगे क्योंकि हमें तीन घात का बहुपद ज्ञात करना है तो ये जो फॉर्मूला है ये तो एन घात के बहुपद का है तो तीन घात का बहुपद का फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए हमें एन की वैल्यू थ्री रखनी होगी तो ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ तक बनेगा ये फॉर्मूला ये बनेगा क्लियर तीसरे एक्स सी थ्री तक आएगा फॉर्मूला तो देखिए आगे अब इसमें इसका स्क्रीन ले लीजिए जल्दी से हम जानते हैं सॉल्यूशन में क्या लिखना है हम जानते हैं कि यदि ए बराबर जीरो ये जीरो हटा देना ये मिस्टेक से छप गया यदि ए बराबर जीरो हो और एच बराबर वन हो तो न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं तो न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतरवेशन सूत्र क्या बनेगा यहाँ पर पी एन एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस वन डेल एफ़ जीरो प्लस एक्स सी टू डेल स्क्वायर एफ जीरो एंड सो ऑन इसको, इसको समीकरण फर्स्ट डाल देंगे उसके बाद अग्रांतर सारणी बनाएंगे तो देखो अग्रांतर सारणी क्या बनेगी अग्रांतर सारणी बनेगी एक्स एफ एक्स डेल एफ एक्स डेल स्क्वायर डेल क्यूब क्यूब तक आएगा क्योंकि हमें चार वैल्यू दे रखी हैं तो तीसरा अंतर अचर और चौथा अंतर जीरो होगा तो यहाँ पर डेल क्यूब एफ़ एक्स तक वैल्यू याद करेंगे एक्स के मान क्या दे रखे हैं जीरो वन टू थ्री एफ एक्स के मान वन जीरो वन टेन डेल एफ एक्स कितना होगा इनका अंतर निकाल लो जीरो माइनस वन कितना आएगा माइनस वन वन माइनस जीरो कितना आएगा वन और टेन माइनस वन कितना आएगा नाइन वन माइनस माइनस वन कितना हो जाएगा टू और नाइन माइनस वन एट और एट माइनस टू सिक्स ये अग्रांतर सारणी बनेगी उसके पश्चात ये मान सारणी से मान कहाँ रखेंगे समीकरण फर्स्ट में और एन की वैल्यू कितनी रखेंगे थ्री क्योंकि तीसरे अंतर से आगे वाले अंतर क्या हो जाएंगे जीरो तीसरा अंतर यहाँ क्या है अचर है तो पी थ्री एक्स इक्वल टू एन की वैल्यू थ्री रखी तो फॉर्मूला क्या बनेगा फॉर्मूला बनेगा अपने पास ये वाला यहाँ तक का फॉर्मूला बनेगा अब इसमें पी ए पी थ्री एक्स इक्वल टू कितना है एफ़ जीरो अब एफ़ जीरो का मान कितना है एफ़ जीरो का मान है वन एफ़ जीरो का मतलब है एक्स इक्वल टू जीरो पर फलन का मान कितना है वन तो यहाँ पर आ जाएगा वन फिर क्या है प्लस एक्स सी वन था एक्स सी वन की वैल्यू होती है एक्स और डेल एफ जीरो और डेल एफ जीरो की वैल्यू क्या है माइनस वन ये वाली वैल्यू काम में लेनी है उसके बाद एक्स सी टू की वैल्यू क्या होगी एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू ये देखो ये एक्स सी टू इसकी वैल्यू लिख देंगे और डेल स्क्वायर एफ जीरो की वैल्यू क्या है टू है तो ये वैल्यू रख दी फिर क्या है एक्स सी थ्री एक्स सी थ्री डेल क्यूब एफ जीरो तो डेल क्यूब एफ जीरो तो कितना है सिक्स और एक्स सी थ्री को लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से और इंटू में क्या आ जाएगा सिक्स इसको हल करेंगे तो वन माइनस एक्स टू से टू कैंसिल एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहाँ फैक्टोरियल थ्री का मान सिक्स होता है इसको इससे कैंसिल कर दिया और इनको मल्टीप्लाई कर लिया ये रिजल्ट बनेगा इस रिजल्ट में क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस का टू एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर इससे कट जाएगा और माइनस का एक्स माइनस एक्स माइनस टू एक्स हो गया जो प्लस टू एक्स से कैंसिल कितना बचेगा वन तो ये आ गया तीन घात का बहुपद ये वो बहुपद है जो दिए गए मानों को ग्रहण करता है ठीक है अब हमें याद करना है एफ़ फोर की वैल्यू देखो ये तीन घात का बहुपद है अब इसमें जब हम एक्स इज्कवल टू क्या रखेंगे पी थ्री एक्स को हम एफ एक्स भी लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू फोर रखेंगे तो हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा फोर का क्यूब माइनस टू इंटू फोर का स्क्वायर प्लस वन और रिज़ल्ट कितना आएगा थर्टी थ्री ठीक है तो इसको नोट कर लीजिए यहाँ से ये क्वेश्चन तो नोट कर ही लिया होगा इसके बाद ये फॉर्मूला लिख लीजिए और इसके बाद ये टेबल बना लीजिए टेबल बनाने के बाद नेक्स्ट उपरोक्त सारणी से मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में रखेंगे ये कैलकुलेशन करके सोल्व कर लीजिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से अब देखिए न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और क्वेश्चन थे वो आपको सोल्व करवा दिए हैं अब बाकी क्वेश्चन आप सोल्व करके देखिए यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए उसके बाद अगला जो फॉर्मूला है वो आता है पश्च अंतर्वेशन के लिए न्यूटन ग्रैगोरी सूत्र अभी हमने अग्र अंतर्वेशन पढ़ा था अग्र अंतर्वेशन में क्या होता है डेल और पश्च अंतर्वेशन में क्या होता है नेवला अब आपको एक चीज़ ये भी समझनी होगी कि अग्र और पश्च अंतर्वेशन का फॉर्मूला कब अप्लाई करना है तो उस चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे पहले हम इसका सूत्र व्युत्पन्न कर लेते हैं देखिए अब पश्च अंतर्वेशन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच और इसके ऊपर क्या है रेखा बंधनी है और नेबला एफ ए प्लस एन एच एच फिर प्लस एक्स माइनस अच्छा इस रेखा रेखाबंदी का मतलब ये है अगर आप इसको लिखना चाहें इसी टर्म को तो आप ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट एक्स माइनस फिर ब्रैकेट ए प्लस एन एच और ब्रैकेट क्लोज्ड और फिर ये ब्रैकेट क्लोज ऐसे लिख सकते हैं आप इसको ठीक है अगर ये बीच वाला ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो ऊपर रेखाबंदी लगा दीजिए मतलब वही है फिर आगे क्या आएगा एक्स माइनस ए प्लस एन एच और फिर एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन एच डे नेबला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर एन प्लस टो, टो इस टाइप का जो टर्म होगा ये क्या कहलाता है पश्च अंतर्वेशन सूत्र कहलाता है अब देखो दोनों सूत्र में क्या डिफरेंस है जो हमने न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतरवेशन फॉर्मूला पढ़ा था उसमें आपको ध्यान होगा हमने लिखा था एफ एक्स इक्वल टू एफ ए ये लिखा था और यहाँ क्या लिखा है ए प्लस एन एच इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमें ये x के मान मिलेंगे a a प्लस एच ए प्लस टू एच डोट डोट ए प्लस एन माइनस वन एच और लास्ट मान कितना मिलेगा a प्लस एन एच ठीक है अब बिंदु a पर फलन का मान मान लीजिए कितना है एफ ए ए प्लस एच पर फलन का मान कितना है एफ ए प्लस एच ए प्लस टू एच पर फलन का मान है एफ ए प्लस टू एच ऐसे ही ए प्लस एन माइनस वन एच पर फलन का मान कितना है एफ ए प्लस एन माइनस वन एच और ए प्लस एन एच पर फलन का मान कितना है एफ ए प्लस एन एच अब न्यूटन का जो अग्र अंतर्वेशन फॉर्मूला था उसमें तो हमने पहली टर्म क्या लिखी थी एफ़ एक्स इक्वल टू एफ ए ये लिखा था मतलब बिंदु ए पर फलन का मान और पश्च अंतर्वेशन में क्या लिख रहे हैं एफ़ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच तुम अंतर समझ में आ गया होगा अग्र अंतर्वेशन में सबसे पहले बिंदु पर फलन का मान लिखते हैं और पश्च अंतर्वेशन में अंतिम बिंदु पर फलन का मान लिखते हैं ठीक है अग्र अंतरवेशन में पहले बिंदु पर फलन का मान एफ ए और पश्च अंतर्वेशन में अंतिम बिंदु पर फलन का मान लिखते हैं कितना ए प्लस एफ ए प्लस एन एच अब अगली टर्म क्या लिखी थी देखो दोनों को मैं एक साथ लिखता हूं एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा था एफ ए प्लस एक्स माइनस ए डेल एफ ए ठीक है एफ ए लिखा फिर कितना लिखा प्लस एक्स माइनस ए डेल एफ ए अगली टर्म में कितना आएगा एक्स माइनस प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए माइनस एच डेल स्क्वायर एफ ए अपॉन फैक्टोरियल टू डेल एफ ए और एक्स माइनस ए अपोन एच डेल एफ ए फिर अगली वाली टर्म में क्या आएगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए माइनस एच अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ए इस टाइप की टर्म थी और पश्च अंतर्वेशन में हम क्या लिख रहे हैं पश्च अंतर्वेशन में आएगा एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच जो फर्स्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी एफ ए प्लस एन एच नेक्स्ट टर्म क्या होगी एक्स माइनस प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच और नेवला एफ ए प्लस एन एच अपॉन एच यही होगी और अगली टर्म में क्या होगा एक्स माइनस ए प्लस एन एच फिर एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन एच और नेबला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच अपोन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर यही आएगा तो देखो इसमें क्या था प्रथम बिंदु पर फलन का मान इसमें क्या है अंतिम बिंदु पर फलन का मान यहाँ क्या है प्रथम बिंदु पर प्रथम अग्रांतर और यहाँ पर क्या है अंतिम बिंदु पर प्रथम पश्च अग्रांतर यहाँ अग्र अंतरा अग्रांतर आएगा यहाँ पश्च अग्रांतर आएगा और यहाँ एफ ऑफ ए आएगा मतलब प्रथम बिंदु पर फलन का मान और यहाँ पर क्या आएगा अंतिम बिंदु पर फलन का मान उसके बाद देखो यहाँ पर कितना आएगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए मतलब एक्स में से किसको घटाना है प्रथम बिंदु को और इसमें क्या आएगा एक्स माइनस ए प्लस एन एच ए प्लस एन एच क्या है अंतिम बिंदु तो इसमें अंतिम बिंदु को घटाना है ठीक है तो ये दोनों में डिफरेंस है इस चीज़ को आपको समझना है क्लियर तो ये हो गया पश्च अंतरवेशन फॉर्मूला अब इस पश्च अंतरवेशन जो फॉर्मूला है हमारे पास इस फॉर्मूले को हमें व्युत्पन्न करना है इसका प्रूफ करना है तो अब इसके प्रूफ पर चलते हैं सबसे पहले हमने y इक्वल टू एफ एक्स एक फलन लिया जिसके स्वतंत्र चर x के समान अंतराल वाले n प्लस मान हो स्वतंत्र चर x के जो मान होंगे वो समान अंतराल वाले मान होंगे और कितने मान होंगे n प्लस वन मान होंगे और वो कौन कौन से होंगे a a प्लस एच ए प्लस टू एच डो डो टे प्लस एन एच और इनके संगत फलन के मान कितने होंगे एफ एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस टू एच एफ ए प्लस एन एच हैं और माना एफ एक्स क्या है एन कोटी का एक्स में बहुपद है अब एफ़ एक्स एन कोटी का बहुपद है तो एफ़ एक्स को हम किस प्रकार से लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन मतलब जो फॉर्मूला है सेम वही तरीका है हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें इसको क्या मान लो आप इसको तो मान लो ए जीरो इसको ए वन इसको ए टू और ऐसे ही इसको ए एन ठीक है और इन ए जीरो ए वन ए टू ए, टू, ए एन की वैल्यू ज्ञात कर लो तो एफ एक्स इक्वल टू कितना लेगा यहाँ पर जो बहुपद बनेगा वो कितना बनेगा एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच ए वन फिर ऐसे ये टर्म आ जाएगी और यहाँ आ जाएगा ए टू फिर ए थ्री ए फोर और लास्ट में आ जाएगा ए एन तो ये देखिए ये हमने बहुपद बना दिया एन कोटी का बहुपद है ये क्योंकि देखो इन एक्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो x कितनी बार मल्टीप्लाई होगा n बार तो x की अधिकतम घात कितनी आएगी n आएगी तो ये n कोटी का बहुपद होगा अब इसको इस रूप में आपको लिखना है और ये रूप कैसे ध्यान रखना है जो सूत्र है उससे ध्यान रखना है सूत्र में एफ ए प्लस एन एच को ए जीरो मान कर लिखना है नेवला वाले टर्म को ए वन नेवला स्क्वायर को ए टू नेवला की पावर एन को ए एन ठीक है ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा तो ये हो गया एन कोटी का बहुपद और इसको समीकरण फर्स्ट से डिनोट कर दो क्लियर यहाँ तक अब उसके बाद देखिए ए जीरो ए वन ए टू ए एन के अचर राशियाँ हैं अब जब हमने अग्र फॉर्मूला व्युत्पन्न किया था तो उसमें हमने समीकरण फर्स्ट में एक्स इक्वल टू पहले ए रखा था फिर ए प्लस एच रखा था फिर ए प्लस टू एच और फिर लास्ट में कितना रखा था ए प्लस एन एच अब उल्टा करना है सबसे पहले x इक्वल टू क्या रखना है a प्लस एन एच रखना है फिर x इक्वल टू कितना रखना है इससे पहले वाला टर्म क्या आएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू एच फिर x की जगह a प्लस एन माइनस वन इंटू एच रखना है फिर a प्लस एन माइनस टू इंटू एच रखना है और फिर लास्ट में क्या रखना है x इक्वल टू ए तो सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट में x इक्वल टू कितना रखेंगे a प्लस एन एच रखेंगे देखो समीकरण फर्स्ट में x की जगह कितना रखा ए प्लस एन एच और फिर माइनस में कितना है ए प्लस एन एच और रेखा बंदनी है अब इसको आप ये मत समझ लेना कि ये माइनस इस ए के साथ है ये माइनस ऐसे नहीं है ये माइनस ऐसे है क्योंकि रेखा बंधनी का मतलब होता है ये पूरी जो संख्या है वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई है अगर इसमें आपको दिक्कत हो तो रेखा बंदी हटाकर ऐसे ब्रैकेट लगा लेना ठीक है वो भी आसान रहेगा तो ये भी a प्लस एन एच है ये भी a प्लस एन एच है कट जाएगा तो ये कितना हो गया जीरो तो ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि ये जो पद है ये सभी पदों में आएगा ये जो संख्या है ये सभी पदों में आएगी इसलिए सभी पद जीरो हो जाएंगे सिर्फ कितना बचेगा ए जीरो और एक्स की जगह कितना आ जाएगा ए प्लस एन एच तो रिजल्ट क्या मिलेगा एफ ए प्लस एन एच बराबर ए जीरो मतलब ए जीरो का मान कितना आ गया एफ ए प्लस एन एच आ गया फिर एक्स इक्वल टू कितना रखेंगे ए प्लस एन माइनस वन एच रखेंगे तो जब एक्स की जगह रख दिया ए प्लस एन माइनस वन इन एच और इक्वल टू में क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो इक्वल टू में कितना आएगा ए ज़ीरो प्लस ए वन और यहाँ एक्स की जगह कितना रख दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच और फिर माइनस में कितना है ए प्लस एन एच ए से ए कैंसिल हो गया एच को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एन एच आएगा और यहाँ पे है माइनस का एन एच कट गया एच को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा माइनस एच बचेगा तो यहाँ आएगा ए जीरो प्लस ए वन इंटू माइनस एच देखो ए जीरो प्लस ए वन इंटू माइनस एच फिर यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे जब रखेंगे तो एक्स की जगह कितना रखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच और यहाँ पे भी देखो क्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच और बीच में नेगेटिव है तो ये कट जाएगा और ये जीरो हो जाएगा और ये टर्म जीरो हो गई तो ये पूरी टर्म जीरो ऐसे आगे वाले भी सभी टर्म जीरो हो जाएंगे तो इसमें सिर्फ क्या बचेगा ए जीरो और ए वन बचेगा ए जीरो का मान हम पहले ज्ञात कर चुके हैं कितना आया था ए जीरो का मान आया था एफ ए प्लस एन एच ये मान यहाँ पे पुट कर दो ए जीरो की जगह ठीक है तो यहाँ कैसे सोल्व करेंगे देखो इसको ये ए वन माइनस एच है ए वन ब्रैकेट में क्या है माइनस एच इसका पक्षांतरण कर दो इधर तो ये माइनस एच हो जाएगा प्लस का एच और इसका पक्षांतरण कर दो इधर तो क्या आ जाएगा ए जीरो माइनस एफ ए प्लस एन माइनस वन एच ए जीरो का मान रख दो ए जीरो का मान कितना है ए जीरो का मान है एफ़ ए प्लस एन एच तो इसकी जगह रख दिया एफ ए प्लस एन एच और ये एज इट इज आ जाएगा और इस एच का इधर पक्षांतरण कर दो तो अपोन में क्या आ जाएगा एच आ जाएगा अपोन में क्या आ जाएगा एच अब देखो अब आपने ये पढ़ा था पश्च अंतरवेशन फॉर्मूले में जैसे ये है ए ये है ए प्लस एच सॉरी इसको ऐसे लिख देंगे पश्च अंतरवेशन फॉर्मूले में क्या पढ़ा था कि बिंदु ए पर बिंदु ए पर पश्च अंतरवेशन कितना होता है एफ ओफ ए माइनस एफ ओफ ए माइनस एच ये पढ़ा था ना जैसे ये संख्या है ए ये है ए माइनस एच और ये है ए प्लस एच तो बिंदु ए पर पश्च अंतर्वेशन क्या होता है बिंदु ए पर फलन का मान फिर माइनस इससे पिछले वाले बिंदु पर फलन का मान यही होता है ना तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक संख्या है कौन सी ए माइनस एच एक संख्या है ए और एक संख्या ए प्लस एच इस पर फलन का मान है एफ ए माइनस एच इस पर फलन का मान है एफ ए और इस पर फलन का मान है एफ ए प्लस एच तो इस बिंदु पर यदि हमें क्या ज्ञात करना है पश्च अंतर्वेशन तो कितना आएगा इस बिंदु पर फलन का मान माइनस इससे पिछले वाले बिंदु पर फलन का मान यही आएगा यदि आपको इस बिंदु पर पश्च अंतर्वेशन ज्ञात करना है तो कितना आएगा इस बिंदु पर पश्च अंतर्वेशन आएगा डेल सॉरी नेवला एफ ए प्लस एच इक्वल टू कितना आएगा इस बिंदु पर फलन का मान माइनस इससे पिछले वाले बिंदु पर फलन का मान यही आएगा अच्छा अब देखिए अब यहाँ पर हमारे पास जो तो संख्या है वो क्या है एक संख्या तो है ए प्लस एन एच एक संख्या तो कौन सी है ए प्लस एन एच और एक संख्या है ए प्लस एन माइनस वन एच इस बिंदु पर यदि हम पश्चांतर ज्ञात करें तो कितना आएगा कौन से बिंदु पर ए प्लस एन एच पर यदि हम पश्चांतर ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा इस बिंदु पर फलन का मान जो कि क्या लिखा जाएगा एफ़ ए प्लस एन एच फिर माइनस इससे पिछले वाले बिंदु पर फलन का मान कितना आएगा एफ़ ए प्लस एन माइनस वन इन एच और यहाँ पर यही तो है देखो एफ़ ए प्लस एन एच माइनस एफ़ ए प्लस एन माइनस वन एच जो किसके बराबर होगा नेबला एफ़ ए प्लस एन एच के तो इसको हम लिख सकते हैं नेबला एफ ए प्लस एन एच और अपो में कितना है एच ये मान किसका आ गया ए वन का मान आ गया अब सेम इसी टाइप से आपको क्या करना है एक्स की जगह क्या रखना है ए प्लस एन माइनस टू इंटू एच फिर ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू एच ए प्लस एन माइनस फोर इंटू एच और लास्ट में रखना है एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू कितना रखना है ए तो आपको मान क्या क्या मिलेंगे देखो इसी प्रकार एक्स की ये वैल्यू रखने पर क्या मिलेगा ए टू ये मान रखेंगे ए टू मिलेगा ये रखेंगे ए थ्री फिर ए फोर और ये रखेंगे तो क्या मिलेगा ए एन और वो कितना मिलेगा वो देखो ए वन में कितना मिला डेल की पावर वन एफ़ ए प्लस एन एच तो ए टू में कितना मिलेगा डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच अपोन में क्या मिला एच तो यहाँ मिलेगा एच का स्क्वायर यहाँ वन का फैक्टोरियल मिला वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं ए वन में तो ए टू में क्या मिलेगा टू फैक्टोरियल ए थ्री में क्या मिलेगा थ्री फैक्टोरियल और एन में क्या मिलेगा एन फैक्टोरियल एच की पावर कितनी मिलेगी ए टू में पावर है टू ए थ्री में है थ्री तो एन में होगी एन और यहाँ पर भी पावर कितनी होगी एन ये ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ए एन के मान कहाँ पे रख दो समीकरण फर्स्ट में जो हमने बहुपद बनाया था उसमें रख दो और उसमें रखते ही आपको क्या मिल जाएगा पश्च अंतरवेशन फॉर्मूला मिल जाएगा तो अब आप इसको एक बार सेम वही तरीका है जो हमने अग्र अंतरवेशन में किया था लेकिन बस आपको करना क्या है अग्र अंतरवेशन में हमने ए जीरो ए वन ए टू ए एन का मान जब ज्ञात किया था तो x इक्वल टू ए से स्टार्ट किया था पहले x इक्वल टू ए रखा था तो a ज़ीरो मिला था अब कहाँ से स्टार्ट करना है पीछे से स्टार्ट करना है x इक्वल टू ए प्लस एन एच रखोगे तो a ज़ीरो मिलेगा a प्लस एन माइनस वन इंटू एच रखोगे तो a वन मिलेगा और x इक्वल टू ए रखोगे तो a एन मिलेगा एन व अचर संख्या आपको मिलेगी तो ये फॉर्मूला लिख लिया होगा आपने इसके बाद आप ये लिखिए इसको समीकरण फर्स्ट डाल देना और ये जो अब ने एन कोटी का बहुपद बनाया है ये बहुपद जो सूत्र हमने लिखा था उस सूत्र को ध्यान में रखते हुए लिखा है उसके पश्चात नेक्स्ट ये लिखना है ये ए वन का मान आ गया ए ज़ीरो का मान आ गया ए वन आ गया अब आप याद करना चाहो तो तीसरा भी कर लो एक्स इक्वल टू ए प्लस एन माइनस टू इन टू एच रख लेना तो आपको ए टू का मान मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख देना कि इसी प्रकार ये वैल्यू रखने पर ए टू ए थ्री ए फोर ए एन प्राप्त होंगे ठीक है ये मान कहाँ रख दिए समीकरण फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट में रखने पर सूत्र बन जाएगा तो इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका ये दूसरा टर्म है फिर प्लस डॉट डॉट और आगे एक टर्म और लिखनी है प्लस ये एनवा टर्म है फिर ये कौन सा टर्म है एनवा टर्म है एक बार दोनों सूत्रों में एक बार अंतर फिर से समझ लीजिए याद रखना बिल्कुल आसान है जैसे अग्र अंतरवेशन पढ़ा था हमने वैसे ही पश्च अंतरवेशन पढ़ेंगे देखो एक बार तो आपको ऐसे संख्या लिख लेनी है ए ए प्लस एच ए प्लस टू एच डोट ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच और लास्ट वाली संख्या क्या बनेगी ए प्लस एन एच फलन का मान क्या बनेगा एफ ए, एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस टू एच एफ ए प्लस एन माइनस वन इन टू एच और इस पर फलन का मान क्या बनेगा एफ ए प्लस एन एच अग्र अंतर्वेशन में हमने अग्र अंतर्वेशन में हमने क्या लिखा था फॉर्मूला एक बार देखना इसको अग्र अंतर्वेशन में तो हमने ये फॉर्मूला लिखा था एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एक्स माइनस ए अपॉन एच डेल एफ ए फिर क्या लिखा था प्लस एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए माइनस एच अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ए एंड प्लस टू टू यही लिखा था ना अब देखो ये एक्स माइनस ए माइनस एच क्या है इस एक्स माइनस ए माइनस एच को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस ब्रैकेट ए प्लस एच इस वाली संख्या को ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल तो अब इस सूत्र को समझना क्या लिखा पहले बिंदु पर फलन का मान फिर प्लस फिर एक्स में से क्या घटाया पहला बिंदु फिर अपोन में h और डेल एफ ए फिर क्या किया x में से पहला बिंदु घटाया और फिर दूसरा बिंदु घटाया ए के बाद अगला बिंदु कौन सा है ए के बाद अगला बिंदु कौन सा है ए प्लस एच है तो यहाँ पर क्या किया एक्स में से पहला बिंदु घटाया और फिर दूसरा बिंदु भाई तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना तो एक्स में से कितना घटाया दूसरा बिंदु घटाया अपॉन में क्या आ गया फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर फिर डेल स्क्वायर एफ ए प्लस ऐसे ये प्रोसेस चलती रहेगी अब अगले वाले सूत्र को समझना पश्च वाले को पश्च वाले में क्या आएगा एफ एक्स इक्वल टू अब पहले बिंदु पर फलन का मान नहीं आएगा क्या आएगा अंतिम बिंदु पर फलन का मान आएगा कितना आएगा एफ ए प्लस एन एच फिर क्या आएगा प्लस एक्स माइनस अब हमने अग्र में तो क्या लिखा था पहला बिंदु एक्स माइनस ए लिखा था लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे पहला बिंदु नहीं लिखेंगे अंतिम बिंदु लिखेंगे तो एक्स माइनस में कितना लिखेंगे ए प्लस एन एच यही लिखेंगे एक्स माइनस ए प्लस एन एच लिखेंगे अंतिम बिंदु और उसके बाद क्या आएगा अपोन में कितना आएगा एच आएगा और फिर कितना आएगा डेल नहीं आएगा नेबला आएगा डेल ने, की जगह नेबला और जो एफ ए लिखा था उस ए की जगह ए प्लस एन एच आएगा तो इसके आगे कितना आएगा इसके आगे आएगा नेबला एफ ए प्लस एन एच ये आ गया फिर आगे देखिए फिर आगे क्या आएगा प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच देखो यहाँ कितना आया था एक्स माइनस ए आया था उसके बाद कितना आया था एक्स माइनस ए प्लस एच आया था मतलब पहले ए घटाया फिर उससे अगले वाला बिंदु घटाया अब पश्च अंतर्वेशन में क्या करेंगे पहले ए प्लस एन एच घटाया तो उसके बाद क्या घटाएंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच घटाएँगे तो यहाँ पर फॉर्मूले में आएगा एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन इन टू एच ये घटाएंगे अब यहाँ पर और फिर अपॉन में कितना आ जाएगा फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर ठीक है और नेबला स्क्वायर कितना आएगा एफ ए प्लस एन एच अग्र अंतर्वेशन में यहाँ पर एफ ए आता है पश्च अंतरवेशन में एफ ए प्लस एन एच आता है ये दोनों में डिफरेंस बात आगे होगी समझ में अग्र अंतर्वेशन में शुरू से स्टार्ट करते हैं ए से और पश्च अंतरवेशन में पीछे से स्टार्ट करते हैं ए प्लस एन एच से क्लियर तो ये फॉर्मूला याद रखना है फॉर्मूला प्रूफ करने का तरीका वही है जो कि अग्र अंतर्वेशन में था क्लियर तो अब सूत्र आपको ध्यान होना चाहिए और उसका प्रूफ भी आपको करना है क्योंकि प्रूफ भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो प्रूफ में आपको बस यही करना है सबसे पहले आपको एन कोटि का बहुपद लेना है और बहुपद सूत्र को ध्यान में रखते हुए लेना है ठीक है उसके बाद फिर आपको क्या करना है जब एन कोटि का बहुपद ले लेंगे तो उसमें जो अचर संख्याएं ली हैं ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ए एन उनके मान ज्ञात करेंगे तो उनका मान ज्ञात करने का तरीका क्या है अग्र अंतर्वेशन में तो क्या करते हैं एक्स इक्वल टू ए रखते हैं फिर ए प्लस एच फिर ए प्लस टू एच और लास्ट में ए प्लस एन एच पश्च अंतरवेशन में क्या करते हैं पहले x इक्वल टू ए प्लस एन एच रखते हैं फिर a प्लस एन माइनस वन इंटू एच रखते हैं फिर a प्लस एन माइनस टू इंटू एच और लास्ट में कितना रखते हैं x इक्वल टू ए तो मान मिल जाते हैं किसके A0, A1, A2, A3, a जीरो ए वन ए टू ए थ्री ए एन के ये मान उस बहुपद में रख दीजिए आपको सूत्र मिल जाएगा बिल्कुल सिंपल है अब बाक़ी डिस्कस करेंगे अगली क्लास में अब हम पश्च अंतरवेशन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो भी क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि अग्र अंतरवेशन का फॉर्मूला आपको कब लगाना है और पश्च अंतरवेशन का फॉर्मूला कब लगाना है क्योंकि अभी तक जब हमने क्वेश्चन सोल्व किए तो हमने अग्र अंतरवेशन का फॉर्मूला ही पढ़ा था तो वहाँ अप्लाई कर दिया लेकिन अब पश्च अंतरवेशन भी पता चल गया आपको तो अब आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन सोल्व करते समय न्यूटन ग्रैगोरी अग्र अंतरवेशन का फॉर्मूला अप्लाई होगा या पश्च अंतर्वेशन का तो उस पर चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं ओके थैंक यू